सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर महाराज सिंह है भैया। क्या कहना चाहते हैं कोरोना वायरस को लेकर, क्या कार्य किए हैं आप तक अपने? देखिए कोरोना वायरस को लेकर मैंने तमाम तरह के यहाँ कार्यक्रम किए। बरेली शहर में, मना जनपद की बात नहीं करता, मैंने खुद बरेली शहर में 10 दिन लगातार 1,000 पैकेट का इस रविंद्र नगर के अलावा यहाँ का कार्यक्रम अलग से चला था। मेरे द्वारा 10 दिन लगातार 500-500 पैकेट्स प्रति कॉलोनी में शांति विहार के रविंद्र नगर के अलावा शांति विहार में, सुभाष नगर में, रेलवे कॉलोनी में, नई बस्ती में, पाल कॉलोनी में, पूर्व अवन खा में, मना इस तरह के क्षेत्र में मैंने का वितरण कराने का काम किया। मैंने 50 लोगों को अब तक 10 के जी चावल का वितरण कराया। अभी मैंने 21,000 रुपया और माननीय मुख्यमंत्री जी के फंड में 22 तारीख को डालने का मैं काम करूंगा। 11,000 रुपया दे दिए मैंने, मेरे द्वारा दे दिए गए। मैंने समाज के लिए तो नहीं, लेकिन कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए लगभग 500 मास्क बांटे और क्षेत्र में तमाम लोगों के घर जाकर दवाइयां मेडिकल से उपलब्ध कराई। ऐसे 25 से लेकर 100 परिवार हैं इस बदायूं रोड में प्लस मणिनाथ क्षेत्र में, जिस परिवार को मैंने दवा उपलब्ध कराई उनके नाम नंबर पर्चे मेरे पास हैं। मैंने अपनी जेब से किसी की दवा 200 रुपए की से लेके 1200 रुपए से लेके 2200 से लेके 4,500 रुपए तक की दवा मैंने मेडिकल से खरीद कर उनके घर पर पहुँचवाने का काम किया है। मैंने इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री वीर योद्धा माननीय मुख्यमंत्री स्वामी श्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर माननीय शेर-ए-हिंद वीर नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जो भारत के 7 साली प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरे द्वारा तमाम तरह की मना चीज़ों को वितरण किया गया। हर समाज हर वर्ग के लोगों को मैंने वितरण किया। आज भी, आज दिनांक 16/4/2020 को भी 7 परिवार को मैंने राशन उपलब्ध कराया, फ़ोन पर मना राशन उपलब्ध कराया। और वर्तमान स्थिति में 22 तारीख को मैं अपने आवास पर 50 जनरल जो व्यक्ति परेशान हैं उनको 10 केजी चावल का एक मास्क 10 केजी चावल का वितरण कार्यक्रम करूँगा 111 बदायूं रोड में। मैंने कोरोना से युद्ध लड़ने के लिए बराबर माननीय CMO महोदय से, माननीय ADDIC, माननीय TSRJ जी से बराबर संपर्क में हूँ, बराबर पूछ रहा हूँ जिस तरह का यहाँ क्षेत्र में लोग जांच करने आ रहे हैं, उनको सहयोग करना, जाके बताना, उनके साथ लगना, हर क्षेत्र में घर घर जाके सपोर्ट करना। उसके बावजूद भी इसमें एक योगदान मेरे, मैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का प्रदेश महामंत्री हूँ, पार्लियामेंट का चुनाव मैंने हावला से लड़ा, MLC बरेली रामपुर लड़ा, विधानसभा लड़ा। मैंने श्री इस समय वर्तमान में एक ऐसे योद्धा जी हैं हमारे सिंह समाज के, ठाकुर नरेश कांत सिंह जो अफजलगढ़ बिजनौर से हैं, उनके माध्यम से उनका कुछ सहयोग रहा, उन्होंने कुछ सहयोग किया, जो मैंने बरेली जनपद में उनके सहयोग धनराशि से भी थोड़ा सहयोग किया, उन्होंने 10-5,000 रुपये का सहयोग किया। वो एक दमदार हमारे युवा जिला के बिजनौर हैं। अब आप बरेली के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बरेली के लिए मेरे एक संदेश है साहब कि बरेली में जो स्थिति है एकदम सामान्य है, बस बरेली के लोगों से, बरेली के हर भाई बहन बहनों से, हर भाई से, हर माता हर बहन से, हर बड़े बुजुर्ग से, हर मित्र से मेरा निवेदन है, जो मेरे साथी रहे हैं बरेली के लिए, मैं सब कुछ बरेली का ही मैं बेटा हूँ, मैंने मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने घर में रहें, कम से कम निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। पुलिस प्रशासन तथा सुभाषनगर थाना क्षेत्र के जो प्रभारी हैं श्री जोशी जी, हरिचंद जोशी जी का बहुत बड़ा योगदान है, माननीय क्षेत्राधिकारी सीमा यादव जी का बड़ा योगदान है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था रात दिन निकस्त करने के बाद पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, रात दिन लगे रह रहे हैं। जोशी जी को प्रणाम करता हूँ, जाके कलेक्टर साहब श्री DM साहब को, किसान जी को भी प्रणाम करता हूँ, मना SSP साहब को, पानी जी को भी प्रणाम करता हूँ कि इन लोगों ने बाकी में शहर की स्थिति को, बाकी सारे अधिकारी ने मिलकर समय शहर का बहुत बड़ा शहर का में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए प्रशंसा है। और मैं कल 21,000 रुपया उनके खाते में, माननीय मुख्यमंत्री जी के खाते में डालूंगा।